तक तू बॉल कराएगा? करवा रहा हूँ यार, एक सेकंड। अबे यार, ओए बच्चों को देख। अबे हाँ, चलो मुझे छेड़ते हैं, चल तफरी करते हैं। अबे यार, फिर आ गए लोग, अब बोलेंगे एक दो बॉल खिलाओ। अबे यार, कब बड़े होंगे ये भी? हैं क्या बोलता है? चल बल्ला दे, दे दे, चल बॉल दे, चल निकल, चल मुमीन बॉल करा। आया आया। अबे यार सही से कराना। सभी किधर रह गए हो? इधर आओ। जी अब्बा आया। अबे तू क्यों हंस रहा है? चल बल्ला दे। अबे आज तो बहुत गर्मी थी, सोच रहा हूँ कल रोज़ा छोड़ दूँ। तू रख रहा है क्या? अरे यार, मैं वेदर रिपोर्ट देख के ही रोज़ा रखूँगा, तुझे पता गर्मी। अबे हाँ वाकई में यार, अबे कहाँ रह गया यार समी, बुला उसको जाके यार। अबे पागल है क्या? तुझे पता है उसके अब्बा मुझे कितना जलील करते हैं? मिच्योर हो जाओ, मिच्योर हो जाओ। अच्छा छोड़, सिगरेट पिला। क्या हो गया? उसके घर के सामने बैठे हैं, उसके अब्बा निकल के आ गए तो क्या होगा? डरपोक। अबे आ गए। अबे समी भी साथ आ रहा है पीछे। अबे कहीं घर से निकाल तो नहीं दिया? अबे इतनी तमीज से कौन निकाले किसी को घर से? तो करीब चल के देखते हैं। आ जा आ जा। चल चल चल। रमजान शरीफ के मैं आखिरी अशरे तक आऊँगा, समझे? घर का ख्याल रखना। इसके अब्बा तो कहीं जा रहे हैं। अबे हाँ, ये कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ, समी ने बताया तो था कि इसकी दादी की तबीयत काफ़ी ऑफ चल रही है, शायद उनसे मिलने जा रहे हैं। इसके अब्बा ने दूसरी शादी की हुई है। अबे पागल हो गया, समी के अब्बा है। अरे अबे यहाँ आओ, इधर आओ। कहीं उन्होंने सुन तो नहीं लिया? जवाब दे जा। तुम लोग क्या कर रहे थे यहाँ? ओ अंकल, वो घूम गई थी ना मुबीन की गाड़ी, बिल्ली बिल्ली गाड़ी बिल्ली। ये क्या क्या मतलब बिल्ली घड़ी? बिल्ली पहले डिसाइड कर लो, बिल्ली या घड़ी, क्या चीज़ गुम हुई थी? बिल्ली घड़ी। वो अंकल असल में मेरी बिल्ली तो मर गई, मगर वो मेरी घड़ी खो गई थी तो घड़ी ढूंढ रहे थे। अरे हाँ, तुम्हारी बिल्ली तो मर गई थी, अफसोस हुआ। ये फिजूल लोग हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। मैं जा रहा हूँ, अम्मी ने तुम्हारा सारा खाना पका दिया है, फ्रिज में रख दिया है, समझे? वो गाड़ी की चाबी ये लो, मगर गाड़ी फिजूल में नहीं निकालना। अगर मुझे पता चला तुमने फिजूल में गाड़ी निकाली है तो समझते हो मैं क्या करूँगा, है ना? अल्लाह हाफिज़। फी मान ला। यार तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है, क्या तूने बताया नहीं? अबे पार्टी! क्या हो गया तुम्हारी दादी? अबे पार्टी करते हुए दादी के लिए दुआ कर लेंगे, मेरे पास आ जाओ। क्या गाड़ी चला? अबे पागल हो गया, तेरे अब्बा ने स्ट्रिक्टली मना किया कि गाड़ी नहीं निकालना। यार तू मुझसे बेहतर गाड़ी चलाता है, गाड़ी को कुछ नहीं होगा, चला। मैं क्यों चलाऊं? मूवी तू चला। नहीं मैं नहीं चला रहा, तू चला। कुछ नहीं होगा, पार्टी करते तू गाड़ी चला। अभी बता रहा हूं, अगर कुछ हुआ ना मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। कुछ नहीं होगा यार, चल। कब से? अरे मेरा पावर बैंक यार, मुबीन ही अंदर रख लिया अपने पास। यहाँ तो जगह ही नहीं है, अभी यहाँ रख रहा हूँ। अच्छा भाइयों, बहुत तफरी हो गई, अब बताओ सहरी का क्या करना है? हाँ यार, भूख तो मुझे भी लग रही है, कढ़ाई खाएं? नहीं यार, कढ़ाई बहुत भारी हो जाती है, जलन होती है सुबह। अबे हाँ, इतना हैवी मैं थोड़ी खा रहा सहरी के लिए। यार बर्गर खाते हैं। चल बे, बर्गर नहीं खाना मुझे। क्या पिज्जा का है? हाँ पिज्जा खाते हैं। हाँ आई कैन गो फॉर पिज्जा। एक जमजमा में बहुत ज़्यादा शॉप है, वहाँ बहुत ज़्यादा पिज्जा मिलता है। जमजमा? हाँ चलो लेट्स गो। डन।
ये हो जाएगा। आई यार चले चले चल यार आ चलेगा भाई यार टेबल 3 नाइस यार चल चल आ जा ट्राई किया सामी सही जगह लग रहा है। वैसे तूने कौन सा मंगवाया? क्रीम चीज। और तूने? टेक्स मैक्स। मुझे तो क्रीम चीज पसंद आया। खैर मैं तो एक और मंगवा रहा हूँ। कितना खाएगा? अरे क्या हो गया? अरे पेपरोनी। हाँ यार पेपरोनी बॉम्ब। आ जा ट्राई कर बहुत आला। तो मैं सोच रहा था अच्छा तेरे घर रुक जाओ। अबे तुम दोनों मेरे घर रुक जाओ। मम्मी भी सारा देख के गई है। 5-6 दिन तक रोज बार इफ्तार बार सहरी करेंगे। फुल बैचलर्स पार्टी जबरदस्त। खैर मेरा पेट भर गया यार ये पैक करो। चलो मंगाया क्यों? इफ्तार में खा लूंगा ना। कर चलो। अबे यार सेट डील। 3 लार्ज पिज्जा 12 गार्लिक ब्रेड और 6 सॉफ्ट ड्रिंक्स 2700 में। अबे यार इतना बड़ा टेंट। अबे यार किसने बोला था डिफेंस जाओ और गाड़ी निकालने की क्या जरूरत थी? अब गाड़ी लग गई यार। अब बस सही कहते हैं यार तुम लोग ना तुम लोग बच्चे हो। मुझे ना मैच्योर लोगों में बैठना चाहिए। अबे क्या हो गया अबे तुझे? दादी की तबीयत तेरी खराब थी पार्टी की तुझे सूझी हुई थी और ये डिफेंस जाने का आइडिया तेरा था। तूने रोना डाला हुआ था कि डिफेंस जाना डिफेंस जाना। अच्छा मेरी इतनी बातें सुनने लगे हो तुम लोग तो ठीक है मेरी गाड़ी खराब हो गई बनवा दो अपने पैसे से और ला के खड़ी कर दो। चुप 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 हो जाओ क्या पूरी रात लड़ते रहोगे या सलूशन भी ढूंढोगे? अरे इतने क्या मसले की बात है यार। क्या ना राशन लेने निकला हुआ था गर्मी थी गाड़ी ठुक गई मसले का हल। और वैसे भी जो माँ बाप होते ना बच्चों को माफी कर देते यार। यार ये 3 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुआ है इसको नहीं पता तुम्हारे अब्बा कितना स्ट्रिक्ट है। इसको बता मेरे अब्बा का। यार इसके अब्बा बहुत स्ट्रिक्ट है। यार जैजी तू फिर सिगरेट पी रहा है। मैंने तुझे कितनी मरतबा मना किया यार सिगरेट नहीं पीते हो हैं? नहीं छुपा के सिगरेट पीते हो? नहीं अब्बा मेरी नहीं है। हैं तुम्हें ये सिखाया मैंने? मैंने इसको मना किया ये मेरी बात नहीं सुनता। ये तुम मेरी औलाद नहीं हो तुम सिगरेट पीते हो। अब आ रहे हो कहाँ गए थे? अब दही लेने गया था। अच्छा अब आपने तो भेजा था तो जबान चलाओगे मुझसे तुम? सभी जल्दी से आओ। समी कहाँ रह गए हो जल्दी से आओ। समी अबे तू अडॉप्टेड तो नहीं है कहीं? मैं अडॉप्टेड नहीं हूँ इकलौता हूँ इकलौता। मैं अपने अब्बा का बेटा नहीं हूँ एक्सपेरिमेंट हूँ एक्सपेरिमेंट। सारा गुस्सा प्यार डांट सब मुझ पे हुआ है। अब सोच ऐसे अब्बा की मैंने गाड़ी मार दी है क्या होगा? आइडिया 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 क्या ये था तेरा प्लान? इसे प्लान कहते हैं? सबको पता है गाड़ी मैकेनिक के पास ठीक होती है। तो अगर मसले का हल था तो इतने परेशान क्यों हो रहे थे? एक तो उनकी हेल्प करो ऊपर से इनकी बकवास सुनो। अबे मसले का हल पैसा है पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे पागल? यार चुप करो एक सेकंड मैं शाहजी से बात करता हूँ। अबे ज्यादा तो नहीं लगी बस हल्का टच अप होगा। मुझे भी लग रहा है 3-4 हज़ार का हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा कर देंगे यार ठीक कर देंगे हो जाएगा हो जाएगा डिजर्व लेंगे हो जाएगा। 20,000 चाची 20,000 चाची तो थोड़ा मुनासिब कर ले चाची। मुनासिब कर ले? अबे क्या मुनासिब कर ले भाई इधर काम करने बैठे हैं काम होगा इसमें कोई रेडी लगाई हुई मैंने केले बेच रहा हूँ मैं मुनासिब कर लूँ भाई इसमें काम होते हैं पैसे लगते हैं गाड़ी के मामले में इतने लगते हैं गाड़ी चला रहे हैं। ओह सुन 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 तेरे अम्मी ने वो 20,000 दिए थे वो दे दे फौरन दे दे। अबे यार वो तो घर के खर्च के पूरा महीना कैसे चलेगा? फिलहाल तो वही दे देना अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाद में देख लेंगे ना। दे 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 चाची हाँ ये 15,000 हैं और बाकी मैं आपको बाद में मैं काम शुरू करवा दूँ मैंने हाँ मैं काम शुरू करवा रहा हूँ तुम लोग एक काम करना कि बाकी के 30,000 रुपये गाड़ी उठाने जब आओ तो फिर ले लेना। ये 30,000 कहाँ से आ गए? अभी तो 20,000 थे अभी 30,000 और? हाँ 30,000 रुपये भाई टोटल खर्चा 50,000 रुपये का है ना गाड़ी मारी है खर्चा तो होगा। आप क्या सोच आप एक काम करो भाई सामने चले जाओ आप उनसे रेट ले लो मैं आपको बता देंगे सब चीज़ें। आप यहाँ से गाड़ी लेके निकलो मैं आपके आप कर दूँगा अब्बा को फोन फिर वो जाने आप जानो गाड़ी जाने आपकी। नहीं 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 आप जाओ नहीं नहीं शाजी 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 मैं आपके पैसे अरेंज करता हूँ ना आप 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 पैसे अरेंज करो यार काम करूँ मैं भाई गाड़ी खोलो यार इनकी यार देखो जल्दी से फटाफट। यार ये मैकेनिक कुछ ज़्यादा ही नहीं ले रहा। सही कह रहे हैं यार। अभी बच्चा कौन है तेरे घर के सामने? ये कौन है? तूने बताया नहीं तेरा छोटा भाई भी है? अबे नहीं यार कौन है ये? चल
कौन है भाई? आपकी अम्मी ने कपड़े दिए थे, उन्होंने कहा था इसके पैसे आप से लूं। कितने पैसे? 10,000। 10,000? यार जय जी, तार का तो पता कर यार। अबे हाँ मैं पूछता हूँ। अबे ये गिटार तो नीचे रख यार, इफ्तार का वक्त है, दुआ करो। वैसे भी तुम्हें दुआ की जरूरत है, तुम्हारी गाड़ी जो ठुकी हुई है। यार मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छा वक्त आ ही नहीं सकता, यही बेस्ट वक्त है पैसे कमाने का। यार मुबीन रोजा लग रहा है, सीधा बोल दे क्या कहना चाह रहा है। बिजनेस मुबीन, अभी पैसा चाहिए, 3 हफ्ते में अब्बा आ रहे, गाड़ी बनवानी है। कौन सा बिजनेस है जो अभी पैसा देगा? हाँ ना, मैं भी कुछ सोच समझ के ही बात कह रहा हूँ यार। मेरे चाचा की दोस्त की फैक्ट्री है सॉक्स बनाने की, और मैं उनसे बात ही कर रहा था कि बिजनेस स्टार्ट करूं। हम उनसे बल्क में सामान लेंगे और हम लोगों को कस्टमाइज सॉक्स बना के देंगे। हम हर तरह के इमोशन के सॉक्स बनाएंगे, हैप्पी सॉक्स, सैड सॉक्स, लोनली सॉक्स, इस तरह के सॉक्स बनाएंगे। लोग हमें ऑर्डर देंगे, हम उनको सॉक्स देंगे। अबे आइडिया हिट है, मैं कह रहा हूँ हिट है आइडिया। एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो सॉरी सर, हम आपका ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। यार अजीब आदमी हो तुम। सर रुक जाए, मेरी बात तो सुने। 10 मिनट रह गए इफ्तारी में, तुम कह रहे हो डिलीवर नहीं हो सकता? बस तेल खत्म हो गया। तेल नहीं, ये मेरा मसला नहीं, मुझे अपनी इफ्तारी। रख दिया फोन इसने। अबे मैं तुझे 1 मिलियन का आइडिया सुना रहा हूँ और तू यहाँ पकौड़ों की बातें कर रहा है। यही बात तो मैं कह रहा हूँ मुबीन, रमजान में लोगों को सॉक्स की नहीं पड़ी होती, खाने की पड़ी होती है। तू चुप कर, मेरे पास एक आइडिया है। अबे तो मेरे सॉक्स। अच्छा एक सेकंड, अपना आइडिया भी पॉज करो और तू अपने सॉक्स खैर छोड़ ही दो, अभी हमें इफ्तारी पकड़नी है, क्योंकि इफ्तारी नहीं आ रही तो चलो अभी। अबे भाई बात सुन, देख रमजानों में ना लोगों को ना मोजे की, ना जूते की, ना कपड़े की, किसी चीज की नहीं पड़ी होती। सिर्फ एक मसला होता है, खाने का मसला। सहरी से लेके इफ्तारी तक सोचते रहते हैं कि इफ्तारी में क्या खाएंगे, इफ्तारी से लेके सहरी तक सोचते रहते हैं कि सहरी में क्या खाएंगे। सही कह रही है, सारा चीजें भूल के सिर्फ खाने पे उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है सिर्फ। अगर आपको पैसे कमाने हैं रमजान में, आई थिंक बेस्ट बिजनेस है खाने का बिजनेस। तो क्या बिजनेस करेंगे? हम करेंगे इफ्तार डिलीवरी का बिजनेस, और नाम होगा फटाफट इफ्तार। तब भी तू मेरा दोस्त है, मेरे भाई। फटाफट इफ्तार, पागल हो गए हो क्या? खाना कौन बनाएगा और डिलीवरी कौन देगा? और डिलीवरी के लिए जो चीजें चाहिए थी वो तो तेरे पास है नहीं, गाड़ी गिरी ठुक गई है, बाइक तेरे पास है नहीं। बस आइडिया आ गया, पागल हो? इससे बेहतर है मैं कहता हूँ हैप्पी सॉक्स और सैड सॉक्स बेस्ट है। तू अपने मोजे अपने सर पे पहन भाई, और चुप करके मेरी बात सुन। मेरी अम्मी ना इतना खाना बना के गई हैं कि 1 महीने तक मैं नहीं पूरा मोहल्ला उसमें से खाना खा सकता है। और फ्रोजन फूड में सिर्फ खाना नहीं है भाई, फ्रोजन फूड में समोसे, रोल, पकोड़े, नगेट्स, आलू, बैंगन, टमाटर, पता नहीं क्या क्या है। खाने का इंतजाम हो गया मेरे फिर। गई बात कि लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, हम बनाएंगे फेसबुक पे पेज। आजकल लोगों सिर्फ बता दो कि खाना मिल रहा है, कब, कहां, क्यों, कैसे, वो खुद पता कर लेते हैं। वो जो हर कोई पहुंचा हुआ था, क्या नली बिरयानी जो बट रही थी वहां पर, हर कोई वहां पहुंचा हुआ था। और वो क्या, वो जो हुसैनाबाद में मिल रहा था प्रोटीन शेक, वहां भी हर रश लगा हुआ था प्रोटीन शेक। बाकी लोगों तक पहुंचेंगे हमारे फेसबुक पेज से, और डिलीवरी अकबर चौकीदार है ना, अकबर डीला। अकबर चौकीदार? अबे अकबर डीला वो कहां से आ गया इन चीजों में? अबे मुबीन फ्लो मत तोड़, अकबर से मैं बात कर लूंगा, उससे हो गई बाइक की जुगाड़, अब हो गया हमारा बिजनेस स्टार्ट। ये कौन है इस वक्त? ठहर मैं देख के आता हूं। इस वक्त कौन आ गया यार? जी वो आपको कोई काम था? हाँ वो समी भाई हैं घर पे, अमी ने उनके लिए खाना भिजवाया है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता है ये सब मैंने खुद बनाया है, मेरे हाथों में जादू है, जादू। वो रंगून वाला सेंटर है ना, वहाँ से कोर्स किया था, वहाँ की स्टार स्टूडेंट रह चुकी हूँ मैं। वैसे ये समी नहीं दिख रहा, इसकी गाड़ी किधर है? इसके अम्मा अब्बा तो बाहर गए हुए थे ना, तो गाड़ी क्यों गायब है? चोरी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं वो चोरी नहीं हुई, असल में कल रात को हम सब सैरी करने गए। सब बताएगा क्या? शुक्रिया शुक्रिया। हैं,
गेट बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। ओह दाल से याद आया, मैंने तो दाल चढ़ाई हुई थी। ओह शिट, तेरा कुछ नहीं होने वाला, चल ऊपर। हमारा बिजनेस शुरू। अबे यार तू सिंक आउट है, दोबारा लो यार, के भी दे रहा है। चलो 1 2 3 और आज से हमारा बिजनेस शुरू। से हमारा बिजनेस शुरू। अबे यार तू अभी भी सिंक आउट है यार, छोड़ो यार, दफा करो, आ जाओ। वैसे हम बोल क्यों रहे हैं, हम बोल क्यों रहे हैं ये? सलीम भाई की बाइक मिल जाएगी। 4 से 5 बजे जब वो सो रहे होते हैं। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं दे सकता, मैं सलीम भाई की बाइक नहीं दे सकता। अबे यार जब वो सो रहे होते हैं 5 बजे वापस ला देंगे उनको उठने से पहले। नहीं भाई, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं नहीं दे सकता। ला देंगे यार, तू आखिरी आसरा है यार। यार पेट्रोल भी हम भरवाएंगे। पक्की बात है, 5 बजे वापस कर दोगे? 4:45 सही है, फिर 4 बजे आ जाना तुम लोग। और मेरा कट? कट की फिक्र नहीं कर, वो मैं दे दूंगा। सही है। अबे शुक्र है यार, अकबर मान गया, नहीं मानता ना अजाब हो जाता जिंदगी। अबे यार पहला ऑर्डर आ गया, नहीं करवा के? अबे हाँ, मरे की मसला है, उनको फ्रोजन कुछ नहीं सही, सब कुछ पका हुआ चाहिए। पकौड़े समोसे कौन तलेगा? अबे इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं संभाल लूंगा। दिखा डालना। अबे मैं नहीं डालता, तू डालना। बेन नहीं बे, मैं नहीं डाल रहा। तूने बोला तुझे आता है। नहीं समीर तू डाल, मैं डालता। अब कौन आया? देख क्या था। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। समी भाई होंगे घर पे? जी हैं। वो अम्मी ने कल खाना भिजवाया था ना, उसके बर्तन लेने थे। ये कुछ जल रहा है, हटे जरा हटे। अबे यार ये तो जल गए यार, ये तो पूरे पत्थर बन गए। कसम से यार, अल्लाह तौबा, ये क्या किया आप लोगों ने? ये कैसे सुनो किया आपने नगर के साथ? हटे पीछे हटे, ऐसे थोड़ी चलते हैं, आपने पूरे के पूरे जला दिए। आज थोड़ा हल्के करके था। ये क्या कर रही हो? अबे रुक जा, हमारा काम हो रहा है ना, करने दे। देख देख आज थोड़ा हल्के रखते हैं ताकि आपको गोल्डन ब्राउन नगेट्स मिले। आप नगेट्स कितना अच्छा तलती हैं, मुझे भी सिखाए ना। मैंने आपसे कहा था ना, कुकिंग में मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, आखिर रंगून वाला की टॉप स्टूडेंट रह चुकी हूँ मैं। आपका ऑर्डर। ओह कितने हुए? 500 रुपये। हाँ ये 500 है। ओह हेलो भाई सुनो, ये क्या है? ये लो भाई, इसका तो हशर नशर हुआ है, इसको देखकर तो मेरी भूख ही मर गई है। वापस ले जाओ, बाइक चला के आ रहे थे, उड़ा के आ रहे थे, पैसे वापस करो। चलो शाबाश, ये लो निकलो, ये रखो इसको, पता नहीं क्या किया हुआ इसका हशर नशर। यार ऐसी ऐसी गालियों भरे मैसेज आ रहे हैं, लोग मूवीज़ के डायलॉग मार रहे हैं, उनकी तो तफरी लग गई यार। कह रहे हैं कि जब खिला नहीं सकते तो ऑर्डर क्यों लेते हो? मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैं तो पहले ही कह रहा था जो करना है सोच समझ के करो, मगर नहीं, बिजनेस करने अभी पैसा कमा सकते हैं। अब्बा सही कहते हैं यार, मैच्योर लोगों में रहना चाहिए मुझे। यार हद होती है समी, मेरे सॉक्स का आइडिया तूने साइड कराया, अपना ये फजूल सा आइडिया लेकर आ गया और तू मुझे सुना रहा है? तो भाई नहीं सुनते ना, क्यों सुनी मेरी? एक सेकंड, हमने तुम्हारी भी सुन ली और तुम्हारी भी सुन ली, अब मेरी सुन लो। देखो हम खाना पहुंचा नहीं सकते तो क्या बेच तो सकते हैं ना? क्या मतलब? अब देखो तुम खाना लोगों को पहुंचा नहीं सकते, बट हम बेच तो सकते हैं ना? अब देखो हम अपने घर से 2 गली आगे
ये स्टॉल लगाएंगे ताकि मोहल्ले में लोगों को पता ना चले और यहाँ हम अपना खाना बेचेंगे। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है, हर गली के नुक्कड़ में समोसे पकौड़े बिक रहे हैं, लोग हमसे क्यों खरीदेंगे, हमें ऐसी क्या खास बात है। हाँ सही तो कह रहे हैं मुबीन भाई, वैसे भी समी आपकी अम्मी के रोल्स ना बहुत ही बदजायका होते हैं। हाँ अगर मेरी मोहल्ला फेमस चटनी रख दी जाए तो बात बन सकती है। यार ये बीबीसी की रिपोर्टर कहाँ से आ गई, अब तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा, अब्बा को पता चला ही चला। समी भाई आप मुझे ऐसा समझते हैं, मैंने तो किसी को वो भी नहीं बताया जो आप बराबर वाली गली में ना कुंडे लगाते हुए पकड़े गए थे। ये रिदा को कैसे पता? रिदा को सब पता होता है। हम तुम्हारी चटनी क्यों रखें, ऐसी क्या खास बात है? खास पता लग जाएगा आपको। कोई नहीं आ रहा यार, मक्खियां भी लग रही हैं। क्या यार क्यों नहीं आ रहे लोग, अब क्या करें ये सब खाने का। ये किससे फोन पे लगा हुआ है, कब से? गर्मी हो रही है यार। ओए हम कब से आपका स्टॉल ढूंढ रहे थे हैं, आपको पता था हमारे स्टॉल के बारे में? अबे छोड़ यार बस दे, मुबीन तू कैसे माल, बाकी हम देख रहे हैं ठीक है। अरे अच्छा ना यार ये ले। यार सेल्स तो आज अच्छी हुई है। मुबीन यार मोबाइल छोड़ दे यार, सुबह से तू लगा हुआ है, काम कर ले थोड़ा। बेटा जो मैं काम कर गया हूँ ना, सोच है आपकी। यार ये पैसे इतने कम क्यों हैं? मुबीन भाई मेरी चटनी वायरल हो गई फेसबुक पे, आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही काम आई है यार, थैंक यू सो मच। ये चटनी वायरल कैसे होती है यार? मुबीन तूने ये फौलाद अपडेट पे क्या अपडेट डाली है? आज की इफ्तारी हमारे साथ मजेदार इफ्तारी पे, वो भी फ्री फ्री फ्री। देखी मेरी बिजनेस स्ट्रेटजी, अब देखना कल कितना रश होगा, ऐसे चलता बिजनेस। मुबीन तू पागल तो नहीं है, हमारे आधे से ज्यादा स्टॉक खत्म हो गए, तूने फ्री में बंटवा दिए, तूने कल के चक्कर में आज का सारा सामान खत्म करवा दिया, अब कल क्या होगा? यार रिदा वो तुम्हारी अम्मी का फोन आया था, कह रही थी घर में चटनी का सामान सब गायब है, तो वो जरा देख लो। ओ हाँ उनकी मिस कॉल आई हुई है, चले। समी एक तो मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, ये जरूरी होता है बिजनेस के लिए, वर्ड ऑफ माउथ के बिना बिजनेस नहीं चलते, आजकल बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से चलते हैं यार। मुबीन टाइम ही तो नहीं है हमारे पास, अब्बा मेरे कभी भी आ सकते हैं, गाड़ी मैकेनिक के पास खड़ी है और मैकेनिक मेरे सर पे, और टेलर रोज 10,000 रुपए मांगने आता है मेरे से। मैं इसीलिए अपनी चलाता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। तुम लोग सही मैच्योर हो यार, अब्बा ठीक कहते, तुम लोगों की वजह से मैं फंस गया हूँ, दफा हो जाए यार, तेरी वजह से ना मेरा काम नहीं होगा, मैं खुद कर लूंगा अपना काम। भाड़ में जा, तेरी मदद भी नहीं करनी, लड़ो मत तुम लोग दोस्तों, नहीं भाड़ में जाए यार। यार क्या कर रहे हो यार, नहीं यार लड़ो मत यार, तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो यार, ऐसे नहीं करो यार। बे यार ओ भाई ये चाय के पैसे कौन दे रहा है? ओ ए मैं तो ये लाइट कब से गई हुई यार, एक घंटे से ज्यादा हो गया, फोन भी 20% पे है, वाओ मेरा पावर बैंक। अरे मेरा पावर बैंक यार, मुबीन ही अंदर रख ले अपने पास, अभी यहाँ रख रहा हूँ पावर बैंक, तो समी की गाड़ी में रह गया।
खाना पड़ेगा। गाड़ी बड़ी गंदी हो रही है यार, मैकेनिक से जरा चाबी मांग लेता हूँ, अभी तो खुली हुई है। कहाँ रखा था इसने? अरे ये रहा। ऑन तो है ना, घर में लाइट ही नहीं है। हाँ अरे शुक्र है। अब कैसा है भाई ये बता दू, सब सेट है? हाँ हाँ मालिक का बड़ा एहसान है। नहीं 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 कोई टेंशन नहीं है यार, तेरे भाई की सारी तैयारी हो गई ईद की, ये रमजान बड़े टाइट गुजरे हैं। अभी आए थे कुछ दिनों पहले ना, तीन लड़के आ गए थे, गाड़ी मार के ले आए, 15,000 का काम 50,000 का बताया तेरे भाई ने। 15 तो हाथ के हाथ देगा, अभी 30 लाते होंगे। हाँ और उसके अलावा भी सब सेट चल रहा है, कारोबार एकदम फर्स्ट क्लास। अभी एक आए थे हमीद साहब, छोटा सा काम लेकर आए, मैं कहा भाई काम छोटा है पैसे मोटे होंगे। हाँ और उनको भी हाँ लगा दिया। तू सुना तेरा काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल ठीक है। चूना लगाता है? ओए चूना किसको लगाया है? भाई क्या हो गया? क्या मतलब क्या हो गया, क्या है ये? समी क्या? ओए समी जल्दी नीचे आ, गाड़ी ठीक हो गई। आ रहा। ओए देख देख देख, गाड़ी ठीक हो गई। हाँ ना नई गाड़ी हो गई। थैंक यू यार। लगा जल्दी, मैं बताता हूँ कैसे ठीक हुई। यार बहुत सेट हो गई यार। कैसा? मैं गाड़ी लगा दूँ यार। हाँ जल्दी लगा यार। मैं तो हैरान हूँ यार, ये कैसा बंदा था ये? वाकई में यार, यार तुम लोगों को तो चूना लगाया लगाया, मुझे भी चूना लगा दिया। खैर जो मैं कह रहा था, मैं जब वहां था ना, वो जो है ना अपने हमीद भाई, उनको भी वही चूना लगा रहा था जो हमें लगाया था, चोर का बच्चा। अबे हमीद भाई को चूना लगाना तो फर्ज है। अबे उसको छोड़ो, टेलर भी मेरे पास पैसे लेने को आया था, कल भी नीचे खड़ा हुआ था गेट पे, मैंने तो दरवाजा ही नहीं खोला। अबे किसकी कॉल आ रही है? वहां जाके बात कर यार। हेलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कम से कम गाड़ी तो ठीक हो गई ना, अब इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी के बाद सोचते हैं क्या करना है। अबे क्या कहा था मैंने? क्या कहा था? चल गई ना स्ट्रेटजी, आ गया ना ऑर्डर, पूरे 12,000 का ऑर्डर आया। अब बोलो इसमें तुम्हारा क्या कमाल था? सारा कमाल तो रिदा की चटनी का था। और आइडिया किसका था? मेरा। भाइयों कल के बकाया पैसे मिला के आज की सेल के टोटल होते हैं 11,200 रुपए। यस शुक्र अल्लाह का यार। अच्छा इसमें से मैं 1,000 रुपए निकाल लूं अलग, तुम लोग आओगे तो पार्टी कर लेंगे, ये 10,000 रुपए पूरे उस मनहूस टेलर के मुंह पे मार दे जाके। हाँ और अब्बा लोग थोड़ी देर में ही आ रहे हैं, तो बस नीचे ही मिलते हैं, मैं गेट पे इंतजार करता हूं। सही है, हम आते हैं बस। शुक्र है सारे काम हो गए। अब ये देख समी, दूर से बिल्कुल अपना बगदर मिलता, वही टेंशन। नहीं बोला करो ऐसे यार। अबे यार कहाँ रह गए थे तुम लोग? पता है अब्बा आ गए और अम्मा दर्जी का पूछ रही थी। अब क्यों इतना परेशान हो रहा है यार? दर्जी को पैसे भी दे के आ गए, गाड़ी का डेंट भी सही हो गया। अबे हल्के बोल, अब्बा सुन लेंगे यार। इसकी हॉबी है परेशान रहना, हो सकता है तेरे अब्बा पागल हो गए हो, याद ही ना उनको कुछ। अब्बा ने उसके यार। खैर यार शुक्र है सारे काम हो गए, जो हुआ अच्छा हुआ। और पता है यार बिजनेस में बड़ा मजा आया, और वो इनबॉक्स आया था उसका, याद है मैसेज आया था, इसका तो नंबर भी मांग रही थी। यार ये रमजान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ यार कसम से। जी अब्बा जैसा छोड़ के गए थे वैसी कोई चेंज नहीं आया, चाबी लाओ। अंकल आप थके हुए होंगे, बाद में कभी चले आइएगा, अभी आराम कर लें। आप मुझे मशवरा ना दें, मेरी गाड़ी है और मेरा काम है। चल यार अंदर चलें। चल यार गर्मी हो रही है। समी इधर आओ। यार पता तो नहीं चल गया ये डेंट कहाँ गया? कौन सा डेंट अब्बा? अबे डेंट का पता चल गया, ये मेरे जाने से 2 दिन पहले मुझसे लग गया था। क्या? मैंने सोचा था वापस आके मैं फिर इसको ठीक कराऊंगा,
इस पे डेंट था? हाँ हाँ भाई, मेरे जाने से दो दिन पहले ये मुझसे गाड़ी लगी थी। क्या? Hi guys, hopefully आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं ये वेब सीरीज भी पसंद आई हो, बहुत मेहनत लग गई यार हमारी। और अगर आप लोग चाहते हैं फ्यूचर में ऐसी वेब सीरीज आती रहें तो प्लीज गिव अस योर फीडबैक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये बेल आइकन पे जो ना क्लिक कर दें, ये कहीं होगा ताकि आपको ये पता चलता रहे कि हमारी नई वीडियो कब आ रही है। नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करें। हाँ।